आरा बिहियां रोड पर सिकंदरपुर में स्थित जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में मथुरा एवं वृंदावन के तर्ज पर फूलों की होली में दर्शकगण झूम उठे। रंगों के त्यौहार होली के अवसर पर वाराणसी से पधारे कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण एवं गोपियों संग फूलों की होली मनाई गई। सर्वप्रथम राधा कृष्ण की आरती के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वास्तव में भगवान धरा पर अवतरित हुए हो। जब राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित विभिन्न भजनों जैसे मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, आज ब्रिज में होली रे रसिया, मधुबन में कन्हैया जो गोपी से मिले आदि पर नृत्य प्रारंभ हुआ तो उपस्थित दर्शक भी अपने को रोक न सके और सभी भक्तगण फूलों की होली में झूमने लगे। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि इस होली में किसी प्रकार के रंग, गुलाल अथवा अबीर आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। पारंपरिक रूप से मनाई जाने वाली इस फूलों की होली के लिए यहाँ 150 केजी गेंदा और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन पंखुड़ियों से अतिथि व जीवंत प्रतीत राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं। वहीं सिद्ध विजय जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कलयुग के वर्तमान समय में भी हमें अपने पारंपरिक त्यौहारों को भूलना नहीं चाहिए। हमारी संस्था आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों पर भी बल देती है। इसी कड़ी में फूलों की होली का आयोजन किया गया है। विदित हो कि बुधवार को रंग भरी एकादशी के साथ ऐसा संयोग है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की फूलों से खेलने की कहानी को दोहराया जा रहा है और जब जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के प्रांगण में राधा कृष्ण की रासलीला प्रारंभ हुई तो ऐसा लग रहा था कि मानो उपस्थित भक्तगण वृंदावन में साक्षात प्रभु के साथ पुष्पों से खेल रहे हो। मौसम में आई अचानक बदलाव और दिन भर बूंदाबांदी के बीच भी आयोजकों, दर्शकों एवं कलाकारों का उत्साह कम नहीं हुआ। अरिहंत विजय जैन ने उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बताया कि इस होली उत्सव की सफलता के लिए कॉलेज परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राओं ने काफ़ी लग्न के साथ तैयारी की है। साथ ही कार्यक्रम के इवेंट प्लानर के रूप में आशुतोष दीक्षित की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मोहन ने कॉलेज के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज एंड हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी आरा अंतर्गत संचालित है। यह कॉलेज भारत सरकार के शिक्षा विभाग के AICTE से मान्यता प्राप्त होने के साथ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। BCA, BBA एवं MBA की पढ़ाई यहाँ आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली के साथ कराई जाती है। इस कॉलेज में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी छात्र छात्राओं को मिलता है। फूलों की होली के अवसर पर सुमन जैन, सुषमा अग्रवाल, डॉक्टर सीपी जैन, प्रेम पंकज उर्फ ललन, डॉक्टर एस करुमटा, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, डॉक्टर सविता रुमटा, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, डॉक्टर बालाजी श्रीवास्तव, आलोक बेरिया, रेसु जैन, प्राची जैन, संजय जालान, पंकज प्रभाकर, प्रेम शंकर सिंह, निशित ज्ञान, मेजर राणा प्रताप सिंह, इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, विभु जैन, संजय कुमार, वंदना बेरिया, निधि बेरिया, आभा गोयनका, अभिषेक जैन, आदेश जैन, अंशुल, प्रतीक, आयुष, अखंड, कृति, छवि जैन, सुमेज, ओम कुमार, नीरज कुमार, निशा भारती, राकेश कुमार, नंदलाल यादव, सन्नी कुमार, प्रेम उपाध्याय, अनुष्का संस्कृति, मणि कुमार, अभिषेक, राहुल, मनीष, रविकांत, राकेश पाठक, शशिकला गरिमा, शुभ्र कमल आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद। आज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ से एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है जिसमें हमारा उद्देश्य है कि नगर के लोग या इस क्षेत्र के लोग सौहार्दपूर्ण होली कैसे मनाएं, सेफ होली कैसे मनाएं, यह हम उन्हें गाइड कर सकें और एक नया रास्ता जो आज पुष्पों की होली नेचुरल होली के रूप में खेलने की प्रथा आरंभ की गई है जिससे कि किसी प्रकार का रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं लोगों को सुनने में आता है तो उससे हम लोग कैसे निजात पाएं और फूलों के साथ भी हम अच्छी होली मना सकते हैं, अच्छे से त्यौहार, सेफ त्यौहार मना सकते हैं, यह बताना था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो छात्र छात्रा उनके अभिभावक गण हैं उनके साथ हमारा एक मीट हो जाए, एक बार संपर्क हो जाए क्योंकि सौहार्द का पर्व होली माना जाता है और हम सबके बीच जो भी जुड़े हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके साथ हमारा भी सौहार्दपूर्ण एक फ्रेंडशिप हो जाए, इस उद्देश्य से आज की यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कलाकारों को बनारस से बुलाया गया है और वृंदावन से भी कहा गया था लेकिन उनको थोड़ा हम लोगों के संपर्क करने में लेट हो गया इसलिए वो लोग नहीं आ सके। अगली बार और अच्छी कार्यक्रम की उम्मीद की जा रही है
बस सेफ एंड सिक्योर होली सभी इंजॉय करें। Yeah.